देखिए एपिसोड विद रियान मोटे का आज ये 8th एपिसोड है और आज हम रियान के साथ हैं। तो रियान, अभी आपसे कुछ और सवाल करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको स्कूल जाना पसंद है कि नहीं? है हुसैन, आपको स्कूल जाना पसंद है कि नहीं? नहीं नहीं है? ये तो इसे बोल बोलते हैं सच्चाई, इसे स्कूल जाना पसंद नहीं है, इसलिए उसने ठोक कर बिल्कुल ताली बजा कर कहा है, एकदम सही से बता दिया है कि उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं है उसे? आपको स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं है? अच्छा, आपको पता भी नहीं है कि आपको स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद है? अच्छा रियान, आपको स्कूल जाना पसंद है हाँ जी, तो क्यों पसंद है ये बताएं जरा। ये वह बच्चे भी होते हैं कि खेलते भी हैं और क्या कहते हैं, पढ़ने का भी टाइम मिलता है। एक दो काफी सब्जेक्ट हाँ फिर खेला और मैम मैम कहती है कि नाथ पढ़ो, नाथ पढ़ते हैं और हाँ अच्छा, तो आप नात भी जी पढ़ते हो, तो अगर हम आपको कहेंगे तो आप क्या नात पढ़कर सुनाएंगे यहाँ पर? यार, नहीं वही शर्म आती है। तो जब आप क्लास में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो कि क्लास में पढ़ते हो? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। असेंबली में? हाँ जी तो आप असेंबली में, मतलब सौ की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहां पर बच्चे होते हैं, तो आप उनके सामने पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक कैमरा है, हम हैं और हुसैन हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? शर्म कैसी? चलें ठीक है चलो ठीक भाई, है, आपसे चलो नात हम नहीं पढ़वाते, और क्योंकि मैं पढ़ाना तो चाहता था और आपसे जी नात सुनना चाहता था, लेकिन कॉपीराइट का कोई मसला हो सकता है, तो इसलिए हम नहीं पढ़ते, ठीक है? तो हुसैन, आपको नात आती है? आती है। शान, अभी हम तैयार हैं, हम सुन अच्छा, लेकिन हम नहीं सुन सकते ना, फिर वो कॉपीराइट का मसला आ सकता है, तो हम नात नहीं सुन रहे आपसे। आप चलिए ठीक है, आप मुझे सुना देना, लेकिन ऑफ कैमरा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे आज के एपिसोड में। बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में इनसे मुलाकात होती है, इनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, तब तक के लिए बाय।